हैं। इस टेंस में वाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये बताने के लिए कि दो पास्ट में दो काम एक साथ प्रोग्रेस में था, मतलब दोनों काम एक साथ चल रहा था। जैसे आई वॉज वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा था, एक काम था, एक काम है ना, पास्ट में एक काम चल रहा था मेरा, मैच देखना, आई वॉज वॉचिंग द मैच। मेरी मम्मी चाय बना रही थी हम लोग के लिए, माई मॉम वॉज मेकिंग टी फॉर अस, और दोनों काम एक साथ चल रहा था। मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि हम मैच देख रहे थे, मेरी मम्मी हम लोग के लिए चाय बना रही थी। आप लोग इसको ऐड करना किससे? वाइल से, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग द मैच वाइल माई मॉम वॉज मेकिंग टी फॉर अस, ठीक है। तो दो काम जब एक साथ प्रोग्रेस में हो, आपको ये बताना हो, तो आप वाइल से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। वेन का इस्तेमाल कब करना है? जब एक काम प्रोसेस में था और दूसरा काम हुआ। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तब आपने कॉल किया, तो जब आपने कॉल किया उस वक्त मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड मी। तो ध्यान रखना है कि वेन जब लगाओगे तो एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट जनरली आपको मिलेगा और दूसरी तरफ क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो आई वॉज वॉचिंग द मैच वेन यू कॉल्ड मी, ठीक है। तो अभी वाइल का यूज बता रहे हैं और वेन का वो इस टेंस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि वाइल पढ़ा रहे हैं और वेन पढ़ा रहे हैं, इस टेंस के लिए बता रहे हैं। तो इस टेंस में वाइल का आप इस्तेमाल तब करोगे जब पास्ट का दो काम एक साथ चल रहा था और ये बताया जा रहा हो, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, मेरा भाई खेल रहा था, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, ठीक है। और वेन का इस्तेमाल कब करोगे? जब एक काम प्रोसेस में था और दूसरा काम उसी वक्त हुआ, है ना। सो आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड मी, क्लियर है।